विहानगर में सोमवार को एक कोरोना संक्रमित युवक के मिलने के बाद मंगलवार को स्थानीय प्रशासन ने संक्रमित युवक को देर शाम इलाज के लिए आरा स्थित आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया है। प्रशासन ने युवक के 15 परिजनों समेत संक्रमित के संपर्क में आए 34 लोगों को क्वारंटाइन के लिए 3 एम्बुलेंस व 2 अन्य वाहनों से मंगलवार को आरा भेज दिया। सभी संक्रमितों का आरा में सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। युवक के परिजनों में उसके माता पिता के अलावा पत्नी, 2.5 वर्ष का बेटा, चाचा चाची, भाई बहन व भतीजा भतीजी भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को भी संक्रमित का इलाज करने वाले एक स्थानीय डॉक्टर व उनका परिवार तथा कार से आरा ले गए संक्रमित के दोस्त व उसके परिजन भी शामिल हैं। प्रशासन ने 3 वार्डों को पूरी तरह से सील किया है। नगर के वार्ड नंबर 6 में कोरोना संक्रमित युवक के पाए जाने के बाद युद्ध स्तर पर प्रशासन ने वार्ड को रात्रि में सैनिटाइज कराया। स्थिति का जायजा लेने को लेकर भोजपुर SP भी देर शाम बिहियां पहुंचे तथा क्षेत्र का मुआयना किया। इसके अलावा रात्रि में ही नगर के वार्ड नंबर 6 एवं उसके आसपास के वार्ड नंबर 7 एवं 13 को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद 3 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान किसी को भी बाहर घर से बाहर नहीं निकलने व बाहर से किसी को भी अंदर जाने की सख्ती पाबंदी लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश करने या बाहर जाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन उक्त वार्डों के अलावा स्टेशन रोड, डाक बंगला रोड, राजा बाजार चौक, कटिया रोड, मेला रोड समेत अन्य सड़कों को सील कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहिया नगर पंचायत में अभी दिन में 2 बजे सरकार का जो नियमानुसार जो जांच हुई, जांच में कोरोना मरीज मिले हुए हैं, उसको सरकार अपने स्तर से इलाज कराएगी और सरकार का निर्देश जो है उसे पालन करना है और सख्त से सख्त पालन किया जाएगा। और बिहिया के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने घर में रहे, अपने जीवन के लिए रहे, नहीं तो प्रशासन जो आजकल लाठियां बरसा रही है, आने वाला समय में और भी बरसाएगी तो लोगों को लगे रहा है कि प्रशासन मार रही है। प्रशासन उनको बोल रही है, उनके लिए बोल रही है, अपने लिए बोल रही है। इसलिए नगर पंचायत पूरा तत्पर है, हर व्यवस्था पर करपालक पदाधिकारी भी लगे हुए हैं अपने स्तर से। पूरे नगर में छिड़काव से ले ले, बरसाव से ले ले, सारा कार्य किया जा रहा है। हम इनके प्रति, नगर पंचायत के प्रति और अपने प्रति, अपने पार्टी के प्रति हम लोग खुश हैं। क्या पूरे बिहिया में देखा गया कि कोरोना का जो पॉजिटिव आया है तो उसके बाद पूरे बिहिया में हड़कंप मच गया? प्रशासनिक, मतलब कि प्रशासनिक जो यहाँ ये कहा जाए तो प्रशासनिक माहौल में भी मतलब हड़कंप मच गया। SDM आ गए, BDO आ गए, CO आ गए, सभी लोग अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मतलब कि पुराना KJDB के केस को अब सभी लोग द्वार तक गए, उसको जांच के लिए किया गया, मार्केटिंग किया गया। इस संदर्भ में आपके प्रशासन के द्वारा जो मार्केटिंग किया जा रहा है, पूरे नगर पंचायत में चारों तरफ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, एकापेक ये इस तरह का केस मिला कि पूरे प्रशासन, नगर पंचायत सब लोग तत्पर होकर इसको कार्य को में लगे हुए हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, चारों तरफ देखा जा रहा है, ब्रेकेटिंग किया जा रहा है। और उन लोगों के लिए जो कि अपने घर में रहे, अपने जीवन के लिए रहे, अपने परिवार के लिए रहे, जीवन रहेगा तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो प्रशासन तो जो जिस तरह माने उन लोगों का कार्य है वो लोग कर रहे हैं। अगर बाहर लोग दिखाई देते हैं, प्रशासन इस पर अगर कुछ भी, अगर किसी को लाठियां भी मारती है तो इसमें सोचना नहीं है, होना चाहिए और अपने घर में बने, अपने के लिए सुरक्षित बने। बिहिया नगर के वासियों के लिए आपका मतलब कि क्या, मतलब कि अपील करेंगे? आप पूर्व अध्यक्ष हैं, पति हैं, क्या अपील करेंगे नगर वासियों के लिए? मैं नगर वासियों के लिए अपील इसलिए करना चाहूँगा कि 14 वार्ड है, 14 वार्ड पार्षद है, नगर करपालक पदाधिकारी है,
सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस पर इस तरह का कार्य करें नगर में, कि जो भी केस बाहरी से आता है उसको सूचित करे, बताए आज वो कमी हुई कि जो इस तरह का माने पॉलिटिक्स लोगों का जो कोरोना संबंधित लोग मिल गए अपने घर में रहें और अपने को सुरक्षित रहे, यही सरकार का निर्देश है। उस निर्देश को पालन करना है और पालन नहीं करते हैं तो समझिए कि अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे। कोई भी करे लॉकडाउन का पालन करे, अपने घर में रहे, यही मेरा शुभकामना है। बिहिया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पति होने के नाते मेरा यही अपील है। चलिए धन्यवाद। बिहिया में कोरोना मरीज पाया गया है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए बहुत दुख की बात है कि कोरोना मरीज बिहिया में पाया गया है और नगर पंचायत और प्रशासन सब लगी हुई है मुहिम में। हम यही कहेंगे घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे नगर पंचायत के जितने भी हमारे जनतागण हैं उनसे अपील करूंगा, एक बार निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।